हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है हैस लॉ, जो कि आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो। ये हैस लॉ है क्या? बड़ा ही बेसिक सा लॉ है। आपको ये आगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये क्या होती है आगे बात करेंगे। इनको निकालने में हैस लॉ काम आएगा। ये हैस लॉ कहता क्या है? बड़ा ही बेसिक सा, बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। बात करता है किसकी? एक केमिकल रिएक्शन की। ये बोलता है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसमें जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या हीट एनर्जी इवॉल्व हुई है, रिलीज हुई है, या तो अब्जॉर्ब हो या रिलीज हो। मान लो एक रिएक्शन हो रहा है ना, उसमें या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी। अब वो चाहे तो रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए, चाहे मल्टीपल स्टेप्स में हो, बट एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड बिल्कुल सेम रहेगी, है ना। ये बोलता है हैस लॉ। इसको मतलब क्या हुआ? मान लो एक रिएक्शन हुआ, एक रिएक्शन ए से बी बना, फिर वो बी से बना सी, फिर वो सी से गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी बना। ओके, हो सकता था कि ये प्रोसेस डायरेक्ट ए से डी बन जाता। ऐसा भी कोई प्रोसेस था हमारे पास, हम कर सकते थे। हमने बोला कि ए से बी बनने में इसने माइनस एक्स जूल्स एनर्जी रिलीज की, इसने माइनस वाई रिलीज की, इसने माइनस जेड कितनी जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज की। ठीक है, इतने जूल्स एनर्जी माइनस में है तो एनर्जी रिलीज हुई होगी ये बनने में, मान लो। तो ए से डी में कितनी करेगा? तो अगर ये देखो एक दो तीन स्टेप में हुआ, अब ये डायरेक्ट एक स्टेप में हो गया, तो एनर्जी तो इतनी ही रिलीज होगी। तो टोटल एनर्जी अब कितनी होगी? माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, सबको ऐड कर दोगे, सबको ऐड कर दोगे। कैसे? देखो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन क्या है इस लॉ की? आपके पास रिएक्शंस होंगे, आपने रिएक्शंस को देखना है और देखना कि उनको रिएक्शंस को जो फाइनल रिएक्शन है कैसे मल्टीप्लाई ऐड माइनस डिवाइड कर मैं कैसे ये बना दूं। तो जैसे रिएक्शंस को कर रहे हो वैसे ही एनर्जी को कर देना, समझे? तो ये है हैस लॉ। हैस लॉ में क्या करना है, वो बोलते हैं चाहे जो एनर्जी हीट और अब्जॉर्ब हो वो एक स्टेप में हो, चाहे मल्टीपल स्टेप्स में हो, बट उसका टोटल एनर्जी रिलीज, ये अभी रिलीज हो रही है, या टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब सेम रहेगी। जैसे एग्जांपल करते हैं, समझ में आएगा। इसको रब कर देता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, CO2 का एग्जांपल लेता हूँ, है ना। हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं CO2 का, ताकि तुम्हारे दिमाग को क्लियर कर दे थोड़ा सा। मान के चलो कि मेरे पास ए है, C+ ½O2 गिव्स क्या बनाएगा? CO बनाएगा, और ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। मान लो मैं कुछ भी ले रहा हूँ, ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, जो इसकी एंथैल्पी है, मैं ऐसे ऐसे रफली फिगर ले रहा हूँ, कभी कल को बोल लो कि सर आपने ऐसा लिख दिया, -10 जूल है, सही है, -10 जूल। अब मैं क्या करता हूँ, एक रिएक्शन और लेता हूँ, मैं बोलता हूँ CO+ ½O2, CO+ ½O2 देगा क्या? CO+ ½O2 देगा CO2, और ये देगा आपको मान लो -20 जूल की एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो -20 जूल की है, मान लो ऐसे इन्होंने बोल दिया कि मान लो ऐसा है, इसकी जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है -20 किलो जूल की। अब वो पूछते हैं कि जब C+O2 रिएक्शन होगा और वो हमें देगा CO2, हमें अगर C+O2 रिएक्शन होगा और हमें वो CO2 दे, तो बताओ इसके लिए ΔH की वैल्यू कितनी होगी, है ना, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी ऐड होगी। तो आपने करना क्या है, आपने देखना कि ये जो तीसरा रिएक्शन दे रखा है, या चार, या जितने भी रिएक्शन दे रखे हैं, इस रिएक्शन को जो बाकी गिवन रिएक्शन हैं, इन दोनों या तीनों या चारों या पाँचों रिएक्शन से कैसे ये बना सकता हूँ। आपने दिमाग में रखना है इनसे कैसे ये बनाऊं। देखो हमें क्या चाहिए इसमें, ये चाहिए होगा। अब हमें O2 चाहिए, यहाँ ½O2 है, क्यों ना दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं। अगर मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं तो C का C आ जाएगा, है ना, C का C आ जाएगा, +½O2 + ½O2 O2 बन जाएगा, +CO इधर आएगा। करके दिखाऊं क्या? मैं क्या करता हूं, मैंने ये रिएक्शन नंबर 1, ये रिएक्शन नंबर 2 ऐड कर दिया दोनों। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है। C+O2 ये रहा ½O2 + CO+ ½O2 गिव्स क्या? CO+CO2। अब इधर से CO और ये CO कट जाएगा, ½O2 क्या बनेगा? O2, C+O2, और इधर बचा CO2, तो ये रिएक्शन बना।
तो अब इसकी डेल्टा पूछ रहे, जो आपने रिएक्शंस के साथ किया वैसा ही सेम एनर्जीज के साथ कर दो। क्या किया रिएक्शन के साथ, ऐड किए, तो एनर्जीज को भी ऐड कर दो। क्या करोगे, माइनस 10 माइनस प्लस माइनस 20, तो कितना आएगा, माइनस 30 किलो जूल। अब एक बात देखो, अगर मैं दो स्टेप में रिएक्शन कर रहा था, मैंने सी से पहले CO बनाया, CO से CO2 बनाया, दो स्टेप्स लगे कार्बन से CO2 बनाने में, यहां मैं डायरेक्ट कार्बन से CO2 बना रहा हूं, तो यहां से जब मैंने CO2 बनाया तो मेरे पास टोटल एनर्जी रिलीज हुई माइनस 30, अगर मैं डायरेक्ट बना रहा हूं तो भी माइनस 30। समझ में आई, यही बोलता है स्लो कि चाहे आप एक स्टेप में जाओ चाहे दो स्टेप में जाओ तो बात तो उतनी रहेगी। जैसे यार मान लो मुझे यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना, चलो चंडीगढ़ नहीं पता होगा तुम्हें, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना, तो मैं अभी रहता हूँ मान लो चंडीगढ़ में ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से मान लो चंडीगढ़ बस स्टैंड जाऊँगा, चंडीगढ़ बस स्टैंड तक का किराया 5 रुपये है ना, मान लो ऐसे ही अजम्पशन, वहाँ से दिल्ली की बस लूँगा या पानीपत की बस लूँगा या दिल्ली की बस लूँगा, जैसे भी करो ना, या मैं डायरेक्ट दिल्ली की बस ले लूँ तो भी उतना किराया 200 रुपये है ना, मैं डायरेक्ट दिल्ली की बस ले लूँ यहाँ से एग्जाम्पल 200 रुपये, मैं यहाँ से अम्बाला जाऊँ वहाँ से 100 रुपये, अम्बाला से दिल्ली जाऊँ वहाँ से 100 रुपये, हालांकि 100 रुपये है नहीं किराया सर, ज़्यादा है, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट किराया 200, अब मैं टुकड़ों में जाऊँ तो 100 प्लस 100, सर नहीं ऐसा नहीं होता। आप बोलोगे कि सर किराया ज़्यादा लगेगा, हाँ ऑब्वियसली, बट एनर्जी में ऐसा नहीं होता। आप एक स्टेप में जाओ इकट्ठा किराया दे के बस में, आप दो स्टेप में जाओ टूटा हुआ किराया देके तो भी 200 लगेगा, ज़्यादा थोड़ी लगेगा है ना। यार मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, मेरी गाड़ी में तेल लगेगा 2000 का मान लो, तो मैं चाहे 2000 का तेल यहीं से भरवा दूँ चाहे 1000 का तेल रास्ते से भराऊँ, लगा तो 2000 का ही ना, एनर्जी तो उतनी ही लगी, ऐसा थोड़ी होगा कि हम ज़्यादा लगेगी कि सर अगर मैं यहाँ से 2000 का बढ़ाऊँगा तो 2000 का लगेगा, आधा 1000 का बढ़ाऊँगा तो ज़्यादा तेल लगेगा, ऐसा नहीं होता ना। यही है स्लो है, एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब उतनी ही होगी जितनी आप क्या करोगे, या तो एक स्टेप में कर दो या मल्टीपल स्टेप्स, एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतनी ही रिलीज उतनी ही एब्जॉर्ब होने वाली है। यही बोला किसने, हेस ने, हेस कौन था, एक रशियन केमिस्ट था, जी एच हेस पूरा नाम इसका, GHS, ठीक है। तो इन्होंने बोला, इन्होंने दिया है स्लो, जो कि हमें आगे न्यूमेरिकल्स करने में एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये क्या बातें होती हैं इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और कंबशन को डिटेल में, तो समझाएंगे कि कैसे ऐसे लोग वहाँ पर लगता है। तो तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।